नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केलकर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारा हॉस्पिटल है केलकर हॉस्पिटल, जहाँ पे हम सारे प्रकार के जो मेंटल इलनेसेस है उनको ट्रीट करते हैं। चाइल्ड गाइडेंस यानी कि चाइल्ड साइकेट्री प्रैक्टिस करते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं डिप्रेशन या फिर मूड डिसऑर्डर्स के, यानी कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, यानी कि कभी बहुत कभी खुशी कभी गम, यानी कि मूड उनका बहुत चेंजिंग होता है। कभी कोई बहुत डिप्रेस्ड होता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो लोग हमें पूछते हैं कि ये होता क्यों है, कॉज क्या है इसका। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है सोसाइटी में कि ये क्यों होता है, ये बीमारी क्यों होती है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉजेस क्या है डिप्रेशन या फिर मूड डिसऑर्डर्स के, कॉजेस क्या है। सबसे प्रथम कि उनका इंसिडेंस, मतलब कितने लोगों में ये बीमारी होती है। तो डिप्रेशन की बीमारी 17% लोगों में पाई जाती है और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ये 1%, यानी कि 1% ऑफ द 1%, मतलब 100 में 1 व्यक्ति को ये हो सकती है बीमारी। तो इसके कारण काफ़ी है, ऐसा एक कोई कारण नहीं है कि ये हो गया, यानी कि बाकी जो बीमार, जब जैसे कि फीवर आता है तो हमें पता है कि एक बैक्टीरिया की वजह से फीवर आया है, वैसा एक कारण नहीं है बीमारी का। बहुत सारे कारण हैं, अगर वो एक साथ आए या ज़्यादा मात्रा में आए तो बीमारी हो सकती है। तो ये कारण है कि सबसे प्रथम जो अपने ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी लेवल अगर गिर गई, सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी अगर लेवल कम हो जाती है तो डिप्रेशन होता है। डोपामिन अगर बढ़ जाता है तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि बहुत सारे हार्मोन्स है, प्रेगनेंसी के वक्त काफ़ी हार्मोन्स चेंज होते हैं, या फिर नॉन प्रेग्नेंट लोगों में भी, जैसे कि थायरॉयड हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, तो इनका अगर लेवल बिगड़ जाए तो डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा है कि स्ट्रेस अगर होता है, किसी के लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल घटना घटती है तो उसके बाद में डिप्रेशन का जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। स्ट्रेस यानी कि कौन सा स्ट्रेस, कि किसी की डेथ होना, किसी को कोई पनिशमेंट, मतलब कोई लीगल मैटर्स में ज़्यादा किसी का प्रॉब्लम हो गया, पुलिस मैटर हो गया, तो ये सारा बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें होती है। ये किसी की डेथ हो गई, डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ, डेथ ऑफ अ चाइल्ड, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल घटनाएं होती है, तो ये होती है तो डिप्रेशन बढ़ जाता है। और एक चीज़ यानी कि ब्रेन में कोई खराबी आ गई, यानी कि ब्रेन की कोई पैथोलॉजी आ गई, कोई ट्यूमर आ गया, कोई इंजरी हो गई, यानी कि एक्सीडेंट हो गया जिसमें ब्रेन डैमेज हो गया, तो ये हो सकता है डिप्रेशन हो सकता है। जो पर्सनालिटी, दूसरा एक कारण है पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति की एक व्यक्तिमत्व जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी होते हैं, कोई कोई जो पर्सनालिटीज़ रहते हैं डिप्रेशन के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं, यानी कि आप अगर डिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होंगे तो आपको डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो पैटर्न्स रहते हैं बिहेवियर के, उनमें डिप्रेशन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो ये पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं। और एक कारण यानी कि साइकोडायनामिक फैक्टर्स, यानी कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊंगी। उसमें जैसा कि है कि जो सेल्फ एस्टीम जिनका कम होता है, यानी कि खुद के बारे में जो प्रतिमा रहती है खुद के मन में, अगर वो कम होगी तो डिप्रेशन ज़्यादा होता है। या फिर ऐसा कोई इंसान होगा जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों के लिए, मतलब बहुत सारी हाउसवाइफ्स या फिर बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती है जिनका एक ही मकसद था जीवन का, कि बच्चों को बड़ा करना, बच्चों के बारे में ख्याल करना। एक बार बच्चे बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उनमें डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो जो लोग खुद का कुछ भी ख्याल ना रखते हुए सिर्फ लोगों का ख्याल करते हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व में भी डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। और एक यानी कि अगर रिलेशनशिप्स कच्चे हो, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लमेटिक हो, बचपन से ही आपने अगर किसी इंसान ने ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स देखे हैं, झगड़े देखे हैं घर में, बहुत मतलब ऐसा वातावरण होगा घर में, तो डिप्रेशन ज़्यादा होता है। और एक चीज़ है जिसे हम कॉग्निटिव ट्रायड बोलते हैं, यानी कि खुद के बारे में ख्याल जो मन में आते हैं, दूसरों के बारे में ख्याल जो मन में आते हैं,
और एनवायरनमेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो ख्याल आते हैं, ये ट्रायड होता है खुद के बारे में, दूसरों के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो इन जो परसेप्शन होता है व्यक्ति का, उसके हिसाब से उसके विचार होते हैं। तो अगर ये ट्रायड अगर गड़बड़, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट हो, तो भी डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो ये सारी सारे कारण होते हैं डिप्रेशन होने में किसी भी व्यक्ति में। तो ये जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो डाला है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कारण क्या है, डिप्रेशन आने का कारण क्या है। तो ये कारण आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जिसमें मैं और भी वीडियोज़ मेरे हैं और मैं और भी डालूँगी इसके आगे। धन्यवाद।